भाई आपको पता है शाहरुख खान इल्यूमिनाटी है। अच्छा, ये राजपाल यादव भी होगा इल्यूमिनाटी। और जॉनी लीवर को क्यों छोड़ा? नहीं भाई वो नहीं है। मुझे एक बात बताओ इल्यूमिनाटी के भड़वो, ये हर बार अमीर आदमी ही इल्यूमिनाटी क्यों होता है? तूने कभी देखा है? ये देखिए रास्ते पर सोने वाला इल्यूमिनाटी भिखारी, ये हर रोज 666 नंबर के आकार की टट्टी हकता है। देखा है? नहीं, क्योंकि वो वीडियो कौन देखेगा फिर, जिसे देखो इल्यूमिनाटी बना देते। शाहरुख खान, सलमान खान, माइकल जैक्सन, बराक ओबामा, डोनाल्ड तात्या, बिल्लू बार्बल, मार्को जुगलिया, और यहाँ तक कि मोदी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन भाई यूट्यूब पर फेमस लोगों के इल्यूमिनाटी होने के प्रूफ भी है। अरे काहे का घंटा प्रूफ, भैंस की गांड चुटिया काटने के धंधे ये सब। आज तो मैं इन इल्यूमिनाटी वालों को नंगा करके छोड़ूंगा बेंच। अच्छा मुझे एक बात बता, सलमान खान इल्यूमिनाटी कैसे बना? भाई उसने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया होगा। ये गलत फहमी है तेरी, मैं बताता हूँ तुझे सलमान खान इल्यूमिनाटी कैसे बना। कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान ने सबसे अलग बनाया होता है। ऐसे लोगों को जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं होता। अपनी झंड जिंदगी सुधारने के लिए इनके पास सिर्फ एक मौका होता है, यूट्यूब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर ये लंड बुद्धि किसी भी फेमस अमीर आदमी को पकड़ेंगे, उसके नाम या काम में से 3 छक्के ढूंढ कर निकालेंगे। वो नहीं मिले तो उसके किसी भी फोटो या सेल्फी में से कुछ गंदे वाले इशारे ढूंढ कर निकालेंगे। अगर वो भी नहीं मिले तो कुछ भी कर उस आदमी के गांड में से त्रिकोण बनाकर बाहर निकालेंगे, फिर यूट्यूब पे डाल देंगे कि सलमान खान इल्यूमिनाटी कन्फर्म्ड। अगर ऐसे ही लोग इल्यूमिनाटी बन जाते तो हमारा बीबी भी इल्यूमिनाटी है। ये देख, बीबी की वाइंस, बीबी यानी भुवन बाम। ये किससे राइम करता है? झंडू बाम। हम झंडू बाम कहाँ लगाते? लौड़े पर। अबे बम पर लगाते। तो कितने बाम हुए? भुवन बाम 1, झंडू बाम 2 और उसका खुद का बम 3। बीबी की वाइंस में अक्षर कितने? 3। उसके वीडियोज के मेन कैरेक्टर कितने? 3। 3 3 3 3। इल्यूमिनाटी के भी 3 बाजू होते, तो फिर बीबी की वाइंस इल्यूमिनाटी कन्फर्म। भाई आप तो महान हो। अबे मच्छर की गांड, अभी तक नहीं समझा भोसड़ बुद्धि? कुछ नहीं होता ये इल्यूमिनाटी। गांड का छेद गोल है, इल्यूमिनाटी बिल्कुल झोल है। ये कहाँ से आया? देख इसकी चुटिया भी त्रिकोणी है, दिन में 3 बार हकता है, और इसका बर्थडे भी 3 मार्च को आता है, 3 3 3। तो क्या तू भी इल्यूमिनाटी है? चलने दो तुम्हारा इलू इलू खेल, इस नामुराद बच्चे को तू ही जेल। लेकिन भाई मैंने तो सुना इल्यूमिनाटी बनने के लिए लोग अपनी आत्मा बेच देते। अबे आत्मा बेची होती तो जिंदा कैसे है ये लोग, भूत बन के आए क्या? आत्मा बेची कौन है? कौन ये भुकड़ शैतान जो आत्मा खरीदता है? पता लगाओ बेंचोत, मैं भी बेचूंगा अपनी आत्मा, वो भी किस्तों में अमीर बनूंगा मैं। लेकिन भाई आप इल्यूमिनाटी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकता? मैं 6 नंबर की चड्डी पहनता हूँ, 6 छक्के दिन भर मेरे घर के सामने पड़े रहते, लूसीफर नाम की काम वाली बाई रखी है मैंने, मेरी गांड का छेद भी त्रिकोणी है, और तो और मेरी नाक भी त्रिकोणी है, ये देख। अरे मैं क्या, तू भी बन सकता है, तेरी नाक भी लोड़ा आकार की त्रिकोणी है, तू इल्यूमिनाटी नहीं ठोकुमिनाटी जरूर बन सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जाओ जाके जुपिटर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाओ ना, एलियंस गांड मारेंगे तब पता चलेगा। ये इल्यूमिनाटी कुछ नहीं होता, जिन आलसी भेन के टके लोगों को जिंदगी में कोई काम नहीं करने होते, ऐसे लोग इल्यूमिनाटी जैसे शॉर्टकट के पीछे लग जाते और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। अच्छा इल्यूमिनाटी के 2 सीक्रेट्स तो आपको पता ही हो गए, ये लोग शैतान के पुजारी होते इसलिए इन्हें शैतानिया अलाउड है। तो फिर इल्यूमिनाटी लोग इल्यूमिनाटी को गालियां दे सकते हैं, और इल्यूमिनाटी लोग अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं।